गुड इवनिंग इंडिया चलिए तो पूरे जोश के साथ हम लोग शुरू करें नोबेनक्लेचर का तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ओई इधर जो है साउंड है रुक जाओ रुक जाओ आज तो हम बहुत पहले से यहाँ पर थे एक क्लास भी ले लिए जो है ऐप में और हाँ हम देख रहे थे बहुत का मैसेज आ रहा था कि सर ऐप का ऐप का तो अभी भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना वहाँ से जो न्यू है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्वेल्थ का ऐप पे शुरू हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर उसमें बहुत परेशान है बहुत लोग जुड़ने के लिए बहुत लोग परेशान हैं तो ऐप में बाबू लिंक है हाँ तो वहाँ से आप कर सकते हो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है और कल से परसों तक में सब कुछ हमको लगता है क्लियर हो जाएगा प्ले स्टोर पर वापस जो है ना रियल वाला अभी फेक ऐप तो बहुत सारा होगा लेकिन वो नहीं जब हम बोलेंगे तभी डाउनलोड करना है ठीक है तो वो आ जाएगा तो फिर अपना वापस कर लेना एक बस एक दो दिन का और बात है आइए हम लोग इस टाइम में पढ़ रहे थे सुपर केमिस्ट्री दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पगलू कार्बन का खरीदा हुआ केमिस्ट्री है एकदम रजिस्ट्री किया हुआ है जन्म जन्मांतर तक ठीक है तो कार्बन और कार्बन के बेटा बेटी के बारे में कार्बन और कार्बन के यौगिकों के बारे में जहां पर पढ़ते हैं उसी को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब क्या है भाई कार्बन और कार्बन के यौगिकों के बारे में कार्बन और कार्बन के कंपाउंड के बारे में जहां पर पढ़ते हैं उसी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने बेसिक हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट कर लिया था और हम लोग आ गए थे नुमिनक्लेचर पर दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके थे नुमिनक्लेचर ठीक है इसके बाद जैसे नोमिनक्लेचर कंप्लीट होगा बहुत हेवी सब टॉपिक आने वाला है अच्छा सब चैप्टर आने वाला है ठीक है आ, वेट एंड वॉच देखो कौन सा चैप्टर आता है बताएंगे हम आपको तो नोमिनक्चर अभी हम लोग पढ़ रहे थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्यों वो भी आपको पता है क्योंकि आगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करीब करीब तीस नंबर है तेईस से तीस नंबर उसमें रिएक्शन पूछेगा या किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो जब तक आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं जानिएगा तो उसका गुण जानना और भी कुछ जानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो हेरे हूरे करके तो जो है आ, काम तो बनेगा नहीं तो उसका नाम जानना बेहद जरूरी है और नाम जहाँ पर जाना जाता है उसी को क्या कहते हैं नोमिनक्लेचर ठीक है, है? चलिए और नोमिनक्चर का तो एक जबरदस्त हम लोगों का जो है ना डायलॉग भी आ गया था नहीं जो पढ़ाई लिखाई नहीं करे बोलने पर भी नहीं पढ़े लिखे उसे थे कहते हैं और नाम लिखने और नाम बनाने की प्रक्रिया को नोमिनक्लेचर कहते हैं ठीक है नोमिनक्लेचर दो टाइप का था कॉमन नेमिंग सिस्टम और आई यू पी एस सी नेमिंग सिस्टम आई यू पी एस सी नेमिंग सिस्टम जो था वो ब्रांडेड सिस्टम था नहीं और आई यूपीएससी नेमिंग सिस्टम जो है वो नाम को याद रखने पर नहीं नाम बनाने पर आधारित था नाम याद रखने पर नहीं नाम बनाने पर आधारित था और आई यू पी एस सी ने पहली बार मुंह खोला और उन्होंने जबरदस्त नियम दिया कि इस दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम तीन वर्ड से मिलकर बना है एक प्रीफिक्स, दूसरा रूट वर्ड और तीसरा सफिक्स उसके बाद आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन पढ़ा लॉन्गेस्ट चेन का मतलब सबसे लंबा चेन ठीक है लॉन्गेस्ट चेन क्या था भाई तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 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 का वो वाला चेन जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसको लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं अच्छा लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन कब बनेगा वो भी हम लोग सीखे है ना और जब मल्टीपल बॉन्ड रहेगा फंक्शनल ग्रुप रहेगा फंक्शनल ग्रुप अभी शुरू नहीं हुआ था लेकिन हल्का सा आइडिया हम आपको दिए थे हो सकता है आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप तक पहुंच जाएँ बहुत डिटेल में फंक्शनल ग्रुप सीखेंगे हम लोग तो उसके बाद रूट वर्ड पढ़े ठीक है रूट वर्ड क्या था भाई पिछले क्लास में जो आप लोग स्टडी किए थे रूट वर्ड क्या था बताइए तो हम लोग सीखे हैं भाई कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना चलो लिख के बताओ और साथ साथ हमको ये बताओ क्या आप हमको एकदम अच्छे से देख पा रहे हो अच्छे से सुन पा रहे हो ना पहले हमको ये बताओ सबसे पहले हमको अच्छे से लिख सुन पा रहे हो सर लिख पा रहे हो नहीं मुंह से निकलने वाले अच्छे से देख पा रहे हो अच्छे से लिख पा रहे यस सर यस सर यस सर चलो बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आज मैच है अच्छा इसका मतलब है कि जो है आज बहुत लोग मैचों का आनंद ले रहा होगा गलत बात पढ़ाई लिखाई अभी ज्यादा मैच उच नहीं रट चलिए कोई बात नहीं मेहनत कीजिए मेहनत करना है इधर मेहनत करना है मैच उच तो चलो ठीक है बाद में भी चलेगा हाँ तो अच्छा आपको ये भी लिख के बता दो आपका बहुत अच्छे से सबका मैसेज हम देख लिए कि भाई एकदम मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से हम दिखाई भी दे रहे हैं सुनाई भी दे रहे हैं अब हमको यह भी लिख के बता दो कि रूट वर्ड क्या था मतलब अगर आपको एक चीज अगर रूट वर्ड के बारे में बोलना होगा रूट वर्ड का पहला इंट्रोडक्शन अगर देना होगा तो आप क्या दीजिएगा वट इज रूट वर्ड रूट वर्ड क्या है बताइए सर अभी वाला फिजिक्स के क्लास में मजा आ गया चलो संदीप जी बहुत अच्छा वेरी गुड वर्ड है वर्ड है वर्ड है बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा वेरी गुड <laughs> बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ हाँ प्रिंसिपल चेन का भी नेम का रिप्रेजेंटेशन भी करता है वो भी सही है तो देखो और हम आई यू ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी इस दुनिया में है ना फैला हुआ पागल के जैसा वो सब का नाम तीन वर्ड से मिलकर बना होता है कितने वर्ड से तीन वर्ड से उस तीन शब्द में से रूट वर्ड क्या है वो एक शब्द है रूट रूट वर्ड 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 क्या है 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 भाई एक एक है. Word एक शब्द और रूट वर्ड एक वर्ड है तो रूट वर्ड क्या देखता है ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मान लीजिए आपके सामने में आ गया या रूट वर्ड के सामने में ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया तो आप खाना खाते हो भाई तो आपके खाना में चावल भी होता है चटनी भी होता है दाल भी होता है सब्जी भी होता है ठीक है और भी बहुत कुछ एमलेट हुआ, आमलेट हुआ सलाद हुआ तो बहुत कुछ होता है उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी बहुत कुछ होता है कार्बन 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 का पेरेंट चेन भी होता है कहीं पर फंक्शनल ग्रुप भी होता है कहीं पर कुछ लटका हुआ भी होता है तो रूट वर्ड ना फंक्शनल ग्रुप को नहीं देखेगा कुछ लटका हुआ है तो उसको भी नहीं देखेगा वो देखेगा किसको मेन चेन को प्रिंसिपल चेन को उसका सारा फोकस कहां पर होता है मेन चेन पर होता है और वर्ड बस प्रिंसिपल चेन का नाम बता के बस भाग जाएगा बोलोगे वर्ड जी वर्ड जी इधर आइए इधर आइए थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप का नाम बता दिए बोले भागेगा यहाँ से फंक्शनल ग्रुप का नाम बताने का जिम्मेदारी किसी और को है नहीं जैसे मान लीजिए यहां पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लेते हो ध्यान देना इधर देखो हाँ इधर सब ठीक है हाँ यस तुम भाई इधर आ जा थोड़ा सा तुम पैर में मेरा गुदगुदी लगा रहे यार सी 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 ठीक है ये फंक्शनल ग्रुप है हाँ और मान लेते हैं ऐसा कुछ लटक गया तो हमारा मेन चेन कौन हो गया ये चेन ठीक है लेकिन ऐसा नहीं कि बाबू इसमें सिर्फ ये चावल है इधर दाल भी है मेरे भाई इधर थोड़ा सा चटनी भी है मतलब बहुत कुछ है लेकिन रूट वर्ड का काम क्या था रूट वर्ड का काम था सिर्फ और सिर्फ किसको बताना ये चेन के नाम को बताना इस चेन के नाम को जो बताता है उसी को हम लोग क्या कहते थे रूट वर्ड अगर आपका रूटवर्ड चेन अगर आपका पेरेंट चेन एक कार्बन का रहा ऐसा ऐसा तो उसके लिए रूट वर्ड हो गया था मेथ दो रहा तो सॉरी दो कार्बन रहा तो इथ ऐसे करते हुए आप लोगों ने सौ कार्बन तक पढ़ा सौ कार्बन तक पढ़ा ठीक है सौ कार्बन तक पढ़ा ठीक अब आइए एक बार फिर से लिखे हम रिवीजन भी करा रहे हैं बाबू और अगला चीज पढ़ा भी रहे हैं ठीक है मजा आ जाएगा भी देखो अगला चीज हम पढ़ा भी रहे हैं हमको बताओ रूटवर्ड को जब तुम बुलाओगे तो क्या वो फंक्शनल ग्रुप को देखेगा या सन्नो में जवाब दो क्या वो फंक्शनल ग्रुप को देखेगा पूजा यादव जी सर आप बहुत गोरे हैं है देखो है देखो बोल लो तुम लोग बोल लो बोल लो हम क्वेश्चन क्या पूछे थे पता है चलिए छोड़ दीजिए वर्ड फंक्शनल ग्रुप को देखेगा या नहीं देखेगा बहुत का आंसर आ रहा है यस सर बहुत का आंसर यार अरे गधा वर्ड तो पेरेंट चेन को ना देखेगा फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप का नामकरण करना फंक्शनल ग्रुप का देखभाल करने का तो जिम्मेदारी किसी और का है ना वर्ड तो पेरेंट चेन को ना खाली देखेगा इसका नाम न बस बताएगा अब अभी अभी पता है बहुत लोगों को याद सर ये वाला क्वेश्चन पूछ लिए थे अब आप पता बताओ क्या रूट वर्ड फंक्शनल ग्रुप को देखेगा कि नहीं देखेगा बोलो नहीं सर नहीं सर समझे तो वही हम पूछना चाह रहे थे रूट वर्ड जो है ना रूट वर्ड फंक्शनल ग्रुप को नहीं देखेगा अच्छा रूट वर्ड ये जो छूट गया है क्या इसको देखेगा बोलो तो ये भी लिख के बताओ क्या रूट वर्ड इसको देखेगा जो छूट गया है उसको देखेगा नो सर नो सर नो सर नो सर यस ये हुई बात अब आए तुम लोग फॉर्म में ठीक है तो रूट वर्ड फंक्शनल ग्रुप को भी नहीं देखेगा रूट वर्ड जो छूट गया है उसको भी नहीं देखेगा तो रूट वर्ड क्या देखेगा तो पेरेंट चेन को देखेगा किसको देखेगा भाई पेरेंट चेन को देखेगा किसको देखेगा पेरेंट चेन को देखेगा तो वर्ड वो है जो पेरेंट चेन का नाम बताता है पेरेंट चेन को देखता है लेकिन आपका आई कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है ना वो तीन वर्ड से मिलकर बना है एक प्रीफिक्स एक रूट वर्ड और एक सफिक्स बोलो है कि नहीं है आई क्या बोला था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है वो कितने वर्ड से मिलकर बना है तीन वर्ड प्रीफिक्स रूट वर्ड और सफिक्स तो रूट वर्ड के बारे में स्टडी कर लिया कि रूट वर्ड जो है ना देखेगा किसको भाई पेरेंट चेन को समझ में आई बात किसको भाई पेरेंट चेन को किसको पेरेंट चेन को क्लियर अब चलो अब देखो अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में सफिक्स दो चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं देखो अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सफिक्स क्या पढ़ने जा रहे हैं सफिक्स तो सफिक्स का डेफिनेशन आप यूं बना दोगे एकदम यूं फटाफट देखो हम दो चीज अभी देखो अभी कैसे बता रहे हैं कि दो चीज हम पढ़ा भी दिए इसको थोड़ा सा हम इधर करते हैं साफ में रखते हैं हा? हमको जल्दी से जवाब दे दो भाई सफिक्स क्या है अगर हम आपसे एक एक वर्ड में पूछें कि सफिक्स क्या जानवर है सफिक्स क्या कोई देश का नाम सफिक्स क्या कोई मिठाई है तो सफिक्स क्या है जानवर देश का नाम मिठाई है क्या आखिर सफिक्स क्या है चलो लिख के बताओ वर्ड हाँ, है वर्ड है वर्ड है वर्ड है वर्ड है बहुत अच्छा वेरी गुड वर्ड है अब ये भी हमको लगे हाथ बता दो कि ये वर्ड जो है रूट वर्ड के पहले आता है या रूट वर्ड के जस्ट बाद आता है ये ये भी आप ही लोग लिख के बताओ कैसा वर्ड है जो रूट के जस्ट पहले आता है या वर्ड के जस्ट है पागल के जैसा फैला हुआ वो सारा का सारा ऑर्गेनिक नाम जो है ना इसी तीन वर्ड से मिलकर बना होता है यही तीन मतलब तीनों वर्ड है प्रीफिक्स वर्ड भी वर्ड है, है सफिक्स, भी तो सफिक्स जो वर्ड है वो वर्ड के पहले आता है या वर्ड के बाद आता है बाद में बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड डेफिनेशन देखो बन गया सफिक्स का तो सफिक्स क्या बोलोगे सफिक्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का एक वर्ड ही है जिस तरह से रूट वर्ड एक वर्ड था उसी तरह से सफिक्स भी क्या है एक वर्ड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वह शब्द ठीक है जिसे वर्ड के बाद लिखा जाता है उसे सफिक्स कहते हैं एकदम क्लियर इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर द रूट वर्ड ठीक है विच कम्स जस्ट आफ्टर द रूट वर्ड इज कॉल्ड सफिक्स क्लियर ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वो वाला शब्द जो प्रिंसिपल चेन का नाम बताता है उसको हम लोग रूट वर्ड कहते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वो वाला शब्द जो रूट वर्ड के जस्ट बाद लिखा जाता है रूट वर्ड के जस्ट बाद लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सफिक्स क्या कहते हैं भाई सफिक्स कोई दिक्कत और सफिक्स याद रखना दो टाइप का होता है एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरा सेकेंडरी सफिक्स रूट वर्ड का तो टाइप नहीं था रूट वर्ड का कोई प्रकार नहीं था लेकिन सफिक्स दो टाइप का होता है एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरा सफिक्स तो यह चीज हम लोग पढ़ लिए कि इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में वो वाला वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर द रूट वर्ड रूट वर्ड के जस्ट बाद जो आता है उसको सफिक्स कहते हैं रूट वर्ड के जस्ट बाद लिखा जाता है उसे सफिक्स कहते हैं ठीक है थीक? तो नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होगा सबसे पहले प्रीफिक्स होगा नहीं पढ़े हैं अभी रूट वर्ड होगा उसके बाद पढ़ लिए ये प्रिंसिपल चेन का नाम बताता है और सफिक्स भी अभी हल्का सा पढ़े हैं कि इसको रूट वर्ड के जस्ट बाद लिखा जाता है ठीक अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ सफिक्स सफिक्स कितने टाइप का होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स को डिग्री डिग्री सफिक्स भी कहना बाबू और सेकेंडरी सफिक्स को टू डिग्री सफिक्स भी कहना इतना क्लियर हो गया सफिक्स कितने टाइप का होता है एक बार लिख के बताओ सफिक्स कितने टाइप का होता है एक बार लिख के बताओ सफिक्स कितने टाइप का होता है जल्दी से लिख के बताओ दो टाइप दो टाइप दो टाइप दो टाइप दो टाइप बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड रवि सर क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं हो 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 तब तो मतलब इस बार तुम लोग तो धमाल मचा दोगे एकदम 95, फाइव नाइन्टी सिक्स हंड्रेडो एकदम ला दोगे एकदम हिला के नहीं हम्म चलिए अच्छी बात है भाई दबा के पढ़ो एकदम मस्ती से अब ऐसा नहीं कि जो है मैथमेटिक्स कैंपस का भी जो है ना ऐप क्रैश कर देना तुम लोग जो है फिर अभी सर परेशान रहेंगे जो है ऐप बनाने में चलिए अच्छी बात है क्रैश कोर्स में जो है एकदम दबा के पढ़िए हर सब्जेक्ट पर मेहनत करिए और जो है लाइए धुआंधार नंबर एकदम धमाल मचा दीजिए हर चीज़ में नहीं चलिए बहुत अच्छी बात है इससे अच्छी बात क्या होगी हाँ आपका आंसर भी देख लिए दो टाइप का दो टाइप का <coughs> बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अच्छा आज सिर्फ अनाउंस किए हैं ओके ओके मतलब आगे शुरू होगा दो चार दस दिन जो भी होगा मतलब आज रवि सर जी जो है क्रैश कोर्स का अनाउंसमेंट किए हैं मतलब कुछ दिन के बाद शुरू होगा बहुत अच्छी बात है तो मचाओ भाई धमाल ठीक है चलो दो टाइप का हो गया प्राइमरी सफिक्स हमारा दो टाइप का हो गया एक वन डिग्री सफिक्स और दूसरा टू डिग्री सफिक्स ठीक है अब आइए ये दोनों आप इतना तो एकदम क्लियर हो गया अभी तक क्या क्या सीखे हम लोग आ, सफिक्स जो है ना रूट वर्ड के क्या होता है जस्ट बाद आता है रूट वर्ड के जस्ट बाद आता है और सफिक्स कितने टाइप का है दो टाइप का है एक वन डिग्री सफिक्स और दूसरा टू डिग्री सफिक्स ठीक अब एक बार फिर से जो हम आपको बताए अब हम वन डिग्री सफिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं बाबू आ जाओ इधर फिर से एकदम माइंड को एकदम कंसंट्रेट करो और फिर से एक बार हमको बताओ कि रूट वर्ड क्या बताता था रूट वर्ड क्या बताता क्या बताता था क्या फंक्शनल ग्रुप का नाम बताता था क्या छूट गया उसका नाम बताता था ठीक है या क्या बताता था हमने हिंट करेंगे तुम हो लोग तुम लोग ही लिखो बताओ ठीक है क्या बताता था वर्ड क्या बताता था प्रिंसिपल चेन का नाम प्रिंसिपल चेन का नाम बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्या बात है क्या बात है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ तो अब सुनो रूट वर्ड एकदम ध्यान से सुनना आप एकदम शांत हो जाओ रूट वर्ड प्रिंसिपल चेन का नाम बताता था रूट वर्ड प्रिंसिपल चैन का नाम बताता था लेकिन वन डिग्री सफिक्स सफिक्स अभी दो टाइप का हुआ था ना एक वन डिग्री सफिक्स और दो डिग्री सफिक्स तो वन डिग्री सफिक्स इसी पेरेंट चेन को वन डिग्री सफिक्स भी देखता है वन डिग्री सफिक्स भी फंक्शनल ग्रुप को नहीं देखेगा वन डिग्री सफिक्स जो है ना जो छूट गया है उसको भी नहीं देखेगा वन डिग्री सफिक्स भी देखेगा प्रिंसिपल चेन को ही लेकिन प्रिंसिपल चेन के नेचर को बताएगा किसको बताएगा नेचर को नेचर का मतलब प्रकृति प्रकृति का मतलब क्या ये सॉलिड है या गैस है या लिक्विड है ये वाला no, 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 no. ये वाला वाला प्रकृति 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 नो 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 नहीं वो बताएगा कि सेचुरेटेड uh, है या अनसेचुरेटेड है आपका जो ये मेन चेन है आपका जो ये प्रिंसिपल चेन है वो सेचुरेटेड है अर्थात उसमें सारा का सारा कार्बन जो है ना वो सिंगल मोन से जुड़ा हुआ है या अनसेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड का मतलब उसमें डबल या ट्रिपल है

सफिक्स कितने टाइप का होता है दो टाइप का वन डिग्री सफिक्स टू डिग्री सफिक्स अब वन डिग्री सफिक्स क्या है भाई अरे भाई जब सफिक्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का एक वर्ड था तो वन डिग्री सफिक्स भी तो एक वर्डे होगा ना लेकिन ये करता क्या है इसको किस चीज का जॉब मिला है इसको क्या चीज का नौकरी मिला है तो वन डिग्री सफिक्स को नौकरी मिला है कि तुम बाबू जाओ ठीक है प्रिंसिपल चैन को देखो प्रिंसिपल चैन को जैसे देख रहा था रूट बन मारा पड़ा भागो यहां से ठीक है इसका नाम लिखने का जिम्मे नादी मेरा है तो वन डिग्री से फिक्स रोते रोते गया कि हमको रूट वर्ड तो मार के भगा दिया कि तुम प्रिंसिपल चेन का नाम नहीं लिख सकता है तो फिर बोला हे गाधा तुमको प्रिंसिपल चेन का नाम लिखने के लिए थोड़े बोले थे तुम प्रिंसिपल चेन का नेचर बताने का तुमको नौकरी दिए हैं तब फिर दौड़े 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 गया रूट वर्ड को बोल रहा है अब हमको काय मारे थप्पड़ तो रूट वर्ड बोला मारेंगे नहीं तुम प्रिंसिपल चेन का नाम बताना शुरू कर दिया था वो नौकरी मेरा है बोला अब झूठ मूठ का मार दिया अभी हम आपको दे देंगे तो क्या होगा आप प्रिंसिपल चेन का नाम बताते हैं मैथ एथ प्रॉप ब्यूट हम प्रिंसिपल चेन का नेचर बताते हैं बोला ओह अच्छा बोला सॉरी 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 बैठो बैठो बताओ बताओ कैसे बताते हो बोला हम देखते हैं प्रिंसिपल चेन को कि वो सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है बोला ओ अच्छा 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 बोला और तब 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 बोला अगर सब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तब बोला देखो अगर सारा का सारा कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो सारा का सारा कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो हम सबको बोलते हैं कि एन लिखो एन एन वन डिग्री सफिक्स जो है ना वो एन लिखो और अगर मान लो कि डबल आ गया तो इन लिखना है और ट्रिपल आ गया तो आइन लिखना है अब थोड़ा सा दिमाग को जो है ना एकदम पूरा का पूरा क्या कहते हो अरेंज वे में पढ़िए सबसे पहले आपने सफिक्स पढ़ लिया सफिक्स दो टाइप का हुआ दो टाइप का प्राइमरी और सेकेंडरी ठीक है अब प्राइमरी सफिक्स क्या था भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वह शब्द ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वह शब्द जो लॉन्गेस्ट चेन की प्रकृति का निर्धारण करता है कि वह कि लॉन्गेस्ट चेन संतृप्त है या असंतृप्त उसे प्राइमरी सफिक्स कहते हैं समझ में आई बात तो इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द वर्ड विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन नेम नहीं नेम बताने का जिम्मेदार जिम्मेदारी तो रूट वर्ड का है नेचर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन बताता है दैट इज लॉन्गेस्ट चेन इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड इज कॉल्ड प्राइमरी सफिक्स समझ में आया तो प्राइमरी सफिक्स आपको यह बताएगा कि आपका जो लॉन्गेस्ट चेन है

रहा टू डिग्री सफिक्स तो वन डिग्री सफिक्स के बाद होगा ऑर्डर समझ में आया सबसे पहले तो प्रीफिक्स लिखोगे फिर रूट वर्ड लिखोगे अब डिग्री सफिक्स को कहां पर लिखोगे रूट वर्ड से जस्ट सटा के रूट वर्ड के जस्ट बाद आपको लिखना है टू डिग्री सफिक्स कहां जाएगा वन डिग्री सफिक्स के भी बाद समझ में आई बात अच्छा रूट वर्ड क्या बता रहा था लॉन्गेस्ट चेन का नाम रूट वर्ड क्या बता रहा था लॉन्गेस्ट चेन का नाम और वन डिग्री सफिक्स क्या बताएगा वन डिग्री सफिक्स लॉन्गेस्ट चेन का नेचर पेरेंट चेन का नेचर कि वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है क्लियर अच्छा वन डिग्री सफिक्स को आप लोग लिखोगे कहां हमको ये लिख के बताओ हाँ रूट सर जी आज नोटिफिकेशन नहीं आया हो सकता है बाबू कभी कभी यूट्यूब ऐसा गड़बड़ करता है मजा आ रहा है सर बहुत अच्छी बात है वेरी गुड रूट वर्ड के जस्ट बगल में रूट वर्ड के जस्ट बगल में बहुत अच्छा वेरी गुड वर्ड के जस्ट बाद हु, 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 हु. इतना तो समझ में आ गया वन डिग्री सफिक्स करेगा क्या भाई तो वन डिग्री सफिक्स लॉन्गेस्ट चेन का नेचर बताएगा और उसको वर्ड के जस्ट बाद लिखना है कैसे नेचर बताएगा तो देख लो नेचर ऑफ लॉन्गेस्ट चैन लॉन्गेस्ट चैन दो ही टाइप का होगा एक सेचुरेटेड दूसरा अच्छा में तो एक ही होता है सिंगल बॉन्ड लेकिन में दो होता है एक डबल बॉन्ड और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड ठीक है अच्छा अगर सिंगल बॉन्ड हुआ सिंगल बॉन्ड हुआ सिंगल बॉन्ड हुआ ठीक है तो आपका जो है वन डिग्री सफिक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन ठीक है वन डिग्री सफिक्स की जगह पे यहां पर तुम लोग लिख देना एन तब एन लिखोगे जब आपको दिखेगा कि आपका जो पेरेंट चेन है वो सेचुरेटेड है अर्थात सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तब आप लोग क्या लिखोगे एन आई बात समझ में अच्छा अगर आपका लॉन्गेस्ट है तो में तो दो बात आ गया या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड तो अगर डबल बॉन्ड रहेगा तब फिर वन डिग्री सफिक्स यहां पर तुम लोग क्या लिखना इन और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तब फिर वन डिग्री सफिक्स क्या लिखोगे आइन अब समझ में आ रहा होगा कि सर मिथेन इथेन प्रोपेन बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन लगता था कि ये कंप्लीट नाम है आज हम लोग मिलके उसका ऑपरेशन कर दिए कि ये जो ये जो प्रॉप है ना ये जो प्रॉप है और एन है है ना तो ये जो प्रॉप है ये हमारा रूट वर्ड है और ये एन जो है वो वन डिग्री सफिक्स है वन डिग्री सफिक्स रूट वर्ड के जस्ट बाद आता है तो ये जो एन लिखते थे आप लोग इन लिखते थे जो आप लोग या आइन जो आप लोग लिखते थे वो एक्चुअली क्या था वो वन डिग्री सफिक्स है उसको वन डिग्री सफिक्स कहा जाता है अब वन डिग्री सफिक्स का काम होता है ऑपरेशन करना नहीं पानी पिलाना नहीं खाना बनाना नहीं आपका लॉन्गेस्ट चेन कैसा है सेचरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है यही बताना है अगर एन लिखा हुआ है मतलब सेचुरेटेड है अगर इन लिखा हुआ है मतलब अनसेचुरेटेड है डबल बॉन्ड वाला और अगर आइन लिखा हुआ है तो भी अन है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड वाला अब समझ में आया तो ये प्रॉप ब्यूटी है, जो आगे लिखा जाता था ये रूट वर्ड है और एन इन आईन क्या है आप लोग लिख के बताइए एन इन आइन क्या है लिख के बताइए आप लोग नाजरा लेक्चर नंबर टू और लेक्चर नंबर थ्री के डिस्क्रिप्शन में रेडॉक्स रिएक्शन का जो है ना सीट दे दिए हैं बाबू तीन में नहीं दिए हैं ये वाले में नहीं होगा दो और एक में होगा क्लास के बाद उसमें ले लीजिएगा ठीक है इसमें भी दे देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उस दोनों में लेकिन चला गया अब चला गया है हाँ क्या है वन डिग्री सफिक्स है वन डिग्री सफिक्स है प्राइमरी सफिक्स है बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सही है सही है सही है सही है बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड ये हुई बात तो वन डिग्री ये एन इन आइन जो है ना वन डिग्री सफिक्स है क्लियर अब इतना सा पहले स्क्रीन शॉट ले तब फिर हम लोग करेंगे यहां से हम लोग आज का पढ़ाई शुरू किया चलो बाबू फटाक से स्क्रीन शॉट लो तो तब अभी मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में लो वन टू थ्री खुचिक ले लिया आओ इधर आओ वन टू थ्री खुचिक ले लिया इसका भी ले लो बाबू वन टू थ्री खुचिक ले लिया आ अब आओ इधर अब इसका एग्जाम्पल सब लोग अब तुम लोग जो है ना तैयार रहो रफ कॉपी लेके और आंसर भेजिएगा मान लीजिए इसका नाम लिखने के लिए कह दिया ठीक है तो हम लोगों को पता है कि, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम तीन शब्द से मिलकर बना होता है प्रीफिक्स रूट वर्ड और सफिक्स, सफिक्स भी दो टाइप का हो गया वन डिग्री सफिक्स टू डिग्री सफिक्स अच्छा वन डिग्री सफिक्स को रूट वर्ड से सटा के लिखना है चलिए अब इसके लिए आइए देखो जिस तरह से खाना खाने के पहले हाथ धोना जरूरी है कितनों भी अच्छा खाना हो कितनों भी अच्छा खाना हो लेकिन अगर आपका हाथ गंदा है तो गड़बड़ हो जाएगा गंदगी पेट में जाएगा ठीक है बैक्टीरिया सब होगा मतलब तबीयत खराब हो जाएगा बीमार पड़ जाओगे आप तो खाना खाने के पहले हाथ धोना जरूरी खाना खाने के पहले हाथ धोना जरूरी उसी तरह से नाम लिखने के पहले प्रिंसिपल चेन को चुनना जरूरी याद रहेगा नाम लिखने के पहले प्रिंसिपल चेन को चुनना जरूरी होता है प्रिंसिपल चेन तो जैसे इसका नाम लिखने के लिए बोला ना तो आप अपने मन से तुरंत प्रिंसिपल चेन चुन लो प्रिंसिपल चेन का मतलब हो गया कार्बन का सबसे बड़ा चेन काम सबसे पहले करोगे जिस तरह से खाना खाने के पहले हाथ धोना जरूरी उसी तरह से नाम लिखने के पहले प्रिंसिपल चेन चुनना जरूरी तो चलो यह प्रिंसिपल चेन हो गया ठीक है चलिए आइए बोलता है नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यही सबसे मिलकर बना होता है प्रीफिक्स तो बाबू अभी पढ़े नहीं हो हटाओ इसको रूटवर्ड इस दुनिया में आया है आपका पैर दबाने के लिए नहीं रूटवर्ड इस दुनिया में आया है पेरेंट चेन का नाम बताने के लिए और आपको सिखाए हैं अगर पेरेंट चेन तीन कार्बन वाला हो तो बोलो उसके लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा ये इसलिए हम आपको बैक करके दिखा रहे हैं अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है कि कैसे रूट वर्ड लिखना है वो देखिएगा तुरंत क्लियर हो जाएगा देखो बताए थे ना ये तीन कार्बन का अगर चेन रहा तीन कार्बन का चेन रहा तो क्या का लिखोगे प्रॉप बोला ओ हाँ सर वो अच्छा यही चीज वहां लिखना है <laughs> तीन कार्बन का है तो प्रप हो गया चलिए तो अब उसके लिए रूट वर्ड क्या लिखेगा बोलिए देखो और ये सब क्या था रूट वर्ड था ये जो प्रॉप था प्रॉप जो था ये क्या था रूट वर्ड था ठीक है आ जाओ इधर बस पहला क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा जो है ना धीरे से आराम से सिखा देते हैं बाबू और ऐसा सीखोगे तो फिर आप दूसरे को भी सिखा दोगे ठीक है तो वर्ड क्या हो गया भाई प्रॉप

हाथ धोना जरूरी और नाम लिखने के पहले पेरेंट चेन को चुनना जरूरी ये हमारा पेरेंट चेन हो गया चलिए सबसे पहले हां ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम में तीन वर्ड से मिलकर बना होता है प्रीफिक्स रूट वर्ड और सफिक्स सफिक्स में भी दो टाइप का होता है वन डिग्री और टू डिग्री तो आ, वन डिग्री को रूट वर्ड से सटा के लिखेंगे तो प्रीफिक्स अभी नहीं पढ़े हैं नहीं जानते हैं रूट वर्ड हाँ जानते हैं मेन चेन का नाम बताता है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ऑक्ट हो जाएगा

अब इसका लीजिए तब फिर अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा लो वन टू थ्री लिया आओ, आप देखो इधर, चलो, क्या इसका नाम क्या होगा जरा बताओ तो तुम लोग लिख के बताओ आप लोग लिख के बताओ बाबू हाँ आप लोग का आ गया था बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ये वाला बताओ ये वाला हम इधर थोड़ा सा साइड आ जाते हैं और पानी भी पी लेते हैं अच्छे से कार्बन काउंट कर लेना लैपटॉप में किस कौन सा बाबू ऐप वाला वीडियो ये जो आशुतोष जी अच्छा डेकेन आ रहा है बाबू डेकेन डेकेन बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड डेकेन डेकेन ऐप वाला बोल रहे हो क्या चलो थैंक यू चंद्रजीत जी बहुत प्यारा कमेंट है आपका अच्छा गलती से ऐप अनइटॉल हो गया बाबू कोई बात नहीं अभी जो है ना इंस्टॉल करोगे ना तो वो प्ले स्टोर पे बहुत दूसरा दूसरा ऐप दिखेगा ठीक है थोड़ा सा एक दो दिन और रुक जाओ कल शाम से यानी तो परसों से हमको लगता है ऐप आप वापस आपका प्ले स्टोर पर मिल जाएगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा और जो जिस नंबर से आपका एडमिशन हुआ था वही आप नंबर डाल दीजिएगा सब कुछ ओके हो जाएगा ठीक है डे कैन बहुत अच्छा वेरी गुड अट वन इन सागर कुमार जी ब्यूट वन इन कहाँ वो अच्छा इधर वाला दे दिया जी अच्छा, अच्छा 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 हमको लगा कि उसका नाम कहाँ से दे दिया ब्यूट वन इन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो हम लोग ये जानते हैं कि ई बॉन्ड लाइन फार्मूला है बॉन्ड लाइन फार्मूला में जहाँ शुरुआत होता है वहाँ भी पगला कार्बन होता है जहाँ ज्वाइंट होता है वो भी भटक भटक के वहाँ भी पहुँच जाता है यहाँ भी पगला कार्बन यहाँ भी कार्बन 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 एकदम पागल है जहाँ मन तहाँ भटकते रहता है ठीक है प्रिफ्रिक्स नहीं पढ़े हैं जी अभी कहाँ पढ़े हैं रूट वर्ट पढ़े हैं जी मेन चेन का नाम बताता है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस तो दस के लिए हो गया डेक वन डिग्री सफिक्स ताजा ताजा गरम गरम पढ़े अभी ठंडा भी नहीं हुआ है तो यह बताता है कि सिंगल से जुड़ा हुआ है या डबल से जुड़ा हुआ है तो सारा का सारा सिंगल से जुड़ा हुआ है और सिंगल से अगर जुड़ा हुआ है तो फिर हम लोग लगाएंगे एन ना पढ़ ना ना वो पढ़वे ने किए हैं तो दोनों को फेविकॉल से चिपका दो बन गया डेन क्लियर ठीक है अब चलो इसका नाम लिखते हैं तो सबसे पहले मेन चेन ये मेन चेन हो गया प्रीफिक्स नहीं जानते हैं रूट वर्ड जानत है जानत है एक दो तीन चार इसका ब्यूट होगा ठीक है अच्छा वन डिग्री सफिक्स बोलो इस बार तुम लोग लिख के बताओ क्या इस बार हम लोग एन लिखें या इन लिखें बोलो वन डिग्री सफिक्स इस बार हम लोग एन लिखें या इन लिखें शुभम जी लाइक हो रहा है अरे लाइक हो रहा है ये लाइक करवा रहा है आंसर भेज वाह 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 क्या बात है इन 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 समझ में आया अच्छा अभी नंबरिंग नहीं बताए हैं इस वजह से वन इन या टू इन हम नहीं बोलते हैं बाबू आ रहा है नंबरिंग इसको खत्म करने दो ना प्रिफिक्स वीफिक्स पढ़ा दे दो तब फिर नंबरिंग पे आ जाएंगे ठीक है तो नंबरिंग अभी हम नहीं बताए तो छोड़ देते हैं ठीक है लेकिन हाँ बस इतना पता है कि सेचुरेटेड का दर्जा तभी मिलता है जब सारा बॉन्ड सिंगल हो लेकिन अगर एक बॉन्ड भी डबल आ गया ना गया एक बॉन्ड भी ऐसा नहीं कि सब डबल होना चाहिए, वो सब नहीं एक बॉन्ड भी डबल आ गया ना तो बाकी कितनों सिंगल है उससे हमको मतलब नहीं डबल आया, unsaturated. और unsaturated में, डबल अगर है। तो उसका इसका नाम हो गया ब्यूटीन ठीक है चलो स्क्रीन शॉट ले लो वन टू थ्री खिचिक ले लिया आ जाओ बहुत देखो एकदम आसानी से और मस्ती से सीखो ठीक है अब आप चाहो तो ये बना भी सकते हो आप लोग घर पे ठीक है ये वाला ये सब जो है घर पे अपना बना लेना ठीक है लेकिन हमको ये वाला बना के पाँचवा बना के दिखा दो तो और भी है होमवर्क क्या नहीं 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 बस इतने सा है छोड़ो ये अभी बना दो ये होमवर्क बना लेना चलो बनाओ जल्दी से पाँचवा बना के हम जल्दी भेजें हमको जल्दी भेजो फटाफट क्रैश कोर्स कब से शुरू करें क्रैश कोर्स से बढ़िया जो है ना एक बहुत बढ़िया चीज़ आ रहा है बाबू थोड़ा सा रुकिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है हमको लगता है हद से ज़्यादा आप लोग खुश हो जाइएगा और फिर उसके बाद खुश होने के बाद जो है ना आप लोग कैसे हंसीगा पता है बैठते बैठते अचानक से वाह 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 इतना अच्छा कोर्स फिर उसके बाद तुम कभी अचानक से याद आएगा फिर तुमको लगेगा अरे इतना अच्छा कोर्स हाँ हाहा हाँ देखना ऐसे मत हंसना नहीं तो बोलेगा पागल हो गया है प्टीन हैप्टीन हैप्टीन आज ना रुक नहीं रहा उसमें रुकता था ये आईफोन में नहीं रुकता है ये हम कितनों बार कभी कभी जो है ना बड़ा बड़ा वाला मैसेज आता है कि ऐप हट गया है या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट तो उसको हम रोक के ऐसे सोचते हैं करें तो देखते तो रुक भी नहीं करता है हे हे हे। क्या क्या हो गया रे हाँ ठीक है हेप्टीन 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 बहुत अच्छा वेरी गुड चलो हेप्टीन बोले ना हेप्टीन सात बोले ना तो साते होगा एक दो तीन चार पाँच छ सात एकदम सही प्रीफिक्स नहीं पढ़े हैं रूट वर्ड पढ़े हैं मेन चेन का नाम बताता है तो मेन चेन सात कार्बन का हो गया, तो हेप अच्छा वन डिग्री सफिक्स तो वन डिग्री सफिक्स बताता है नेचर डबल है कि सिंगल है कि ट्रिपल है तो डबल है तो डबल है तो क्या हो गया इन हेप्ट और इन मिलके क्या बना देगा हेप्टीन खत्म बात एकदम सही आप लोगों का ठीक है ये वाला आप लोग बनाइएगा और ले लीजिए स्क्रीनशॉट हम अगले टॉपिक पर आते हैं ले लो अब वन टू थ्री खिचिक आ जाओ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनो जो आप लोगों का रिएक्शन में भी काम देगा और हर जगह मतलब आप आपको इसको ना पैकेट में रखना पड़ेगा इतना जरूरी है ये इसके बिना आप कहीं पर हिल भी नहीं सकते हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है अच्छा आप देखते हो कि बहुत जनरल एग्जाम्पल है आप लोगों का दूध को आप गर्माते हो तो दूध के ऊपर में देखते हो एकदम छाली एकदम बैठा हुआ रहता है आप लोग उसको अलग निकाल भी लेते हो हटा भी देते हो ठीक है सिर्फ तब फिर दूध बचा उसका बड़ी कीमत होता है भाई उसी से फिर घी भी बनता है तो आप लोग क्या किए उस दूध से क्या निकाल लिए छाली जो है पूरा का पूरा एकदम जो है ना निकाल लिए ठीक बच गया हमारा जो है ना नॉर्मल वाला दूध अच्छा मान लीजिए समुन्द्र वाला पानी आप लेके आए सब पानी को भगा दिए सब पानी को आप हटा दिए तो बच गया क्या नमक बच गया क्या गया नमक बच गया ठीक है समुद्र के पानी में बहुत नमक होता है पानी उड़ा दीजिए नमक बच जाएगा उसी तरह से बहुत ऐसा जगह पर है जहां पर कोई कुछ चीज़ को हम क्या करते हैं हटा है, देते हैं बचत है। केला खाते हो ऐसे छीले ठीक है छिलका फेंक दिए खा लिए कुछ चीज को फेंक दिए कुछ चीज को खा लिए ठीक उसी तरह से हमारा एलकेन है अगर एलकेन से आप एक हाइड्रोजन निकाल कैसे फेंक दीजिएगा टपक तो वही एल्केन एल्काइल बन जाता है क्या बन जाता है एल्काइल किससे एल्केन से क्या फेंक देना है एक हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा एल्काइल समझ में बात चल अब शुरू हो जाओ क्लासरूम जैसा किससे क्लासरूम रहता तब तो ना मजा आता लेकिन चलो अभी लिखने में टाइम लग जाएगा ठीक है किससे 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 किस जल्दी लिखो जल्दी लिखो एकदम फटाफट एलकेन, 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 बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एलकेन, 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 हाँ एलकेन से क्या एलकेन से क्या बताइए थोड़ा क्लासरूम का माहौल ला दीजिए एलकेन का क्या बताइए जल्दी से हाइड्रोजन निकाल देंगे यही क्लासरूम रहता तो कितना मजा आ जाता था ठीक है सब कुछ तुम ही बोल देता था ठीक है तो किससे से क्या हाइड्रोजन निकाल देंगे एक कितना हाइड्रोजन निकालोगे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन क्या करेंगे निकाल देंगे तो अगर एलकेन से एक हाइड्रोजन अगर निकाल दीजिएगा तो क्या बन जाएगा बताइए तो क्या बन जाएगा अगर एलकेन से आप एक हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा तो क्या बन जाएगा बताइए क्या बन जाएगा क्या बनेगा क्या एलकाइल मजा आ गया तुम ही लोग सब बोल दिया यार ठीक है अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो एल्काइल बन जाएगा एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो एल्काइल बन जाएगा किससे एल्केन से क्या एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा एल्काइल बन जाएगा है जी किससे एल्केन से क्या करोगे एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा एल्काइल बन जाएगा क्लियर ठीक है मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो लिख के जल्दी बताओ क्या बन जाएगा मिथेन से एक हाइड्रोजन अगर हटा देंगे तो क्या बन जाए अभी हाइड्रोजन दिखा के भी हम आपको सॉरी हटा के भी दिखाएंगे क्या होता है लेकिन हमको पहले ये बता दो तो, मिथेन से अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा मिथाइल 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 बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओ अच्छा 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 लगा देंगे लगा देंगे क्लास रूम में लगा देंगे तुम लोग का सिल्वर प्ले बटन चार सिल्वर प्ले बटन है भाई ठीक है नहीं सॉरी चार सिल्वर प्ले बटन और एक गोल्डन प्ले बटन चारों का होगा तभी तत्काल अब इधर बहुत कुछ जो है ना मॉडिफाई होने वाला है ठीक है इसमें आपका पेंट वेंट ये वो डिजाइन वजाइन बहुत कुछ होगा तो इसलिए छोड़ दिए नहीं तो अभी तत्काल हम लगा देंगे फिर बाद में जब होने लगेगा तो उसको उतार के फिर से लगवा देंगे ठीक है चलो खुश मिथाइल 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 बहुत अच्छा वेरी गुड आओ अच्छा एल्केन का पहचान क्या है जी ठीक है एल्केन का पहचान क्या है सुड अगर हो जिसके पास सुंड हो उसे हाथी कहते हैं जिसके नाक में सिंह हो उसे गेंडा कहते हैं और जो दिखने में सीएन एच प्लस टू जैसा लगे सीएन एच प्लस टू जैसा लगे मतलब जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसके डबल से दो ज्यादा जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसके डबल से दो ज्यादा होगा यही है एलकेन का यही है एल्केन का पहचान और दूसरी बात क्या दूसरी बात क्या एल्केन में सारा का सारा कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है नहीं तो एल्केन में सारा का सारा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और इसका फॉर्मूला जनरल फार्मूला होता है जितना कार्बन है ना हाइड्रोजन ना जस्ट उसका दोगुना से दो ज्यादा होगा जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल से क्या होगा दो ज्यादा होगा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो अगर आप एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिए आगे देख लीजिए क्या है अगर एक हाइड्रोजन को आप अगर माइनस कर दिए ना तो एन से आपको हाथ धोना पड़ जाएगा एन नहीं लिख पाओगे फिर आप खत्म और एन जहां है ना एन हो गया खत्म और उसके जगह पे आइल आपको जोड़ना पड़ जाएगा अगर एक हाइड्रोजन हटाए तो एन फिनिश क्या जोड़ना पड़ेगा आइल तो एल्क तो वही रह जाएगा तो वही रह जाएगा बस ये आइल आके जुड़ जाएगा तो बन जाएगा एलकाइल एलक को सूचित किया जाता है आर से एलकाइल को किससे सूचित किया जाता है आर से एलकाइल को किससे सूचित किया जाता है आर से आप बोलोगे सर ये आर के बगल में ये जो डिजाइन दिए हैं ये क्या है डिजाइन नहीं है बाबू ये बॉन्ड है, वही बॉन्ड जिससे जिस बॉन्ड जिस, जिस को हाइड्रोजन तोड़ के भाग गया है क्योंकि कार्बन जो है ना टोटल कितना बॉन्ड बनाता है चार बॉन्ड बनाता है ठीक है तो आप लोग क्या किए एक हाइड्रोजन को हटा ना दिए तो एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो बेचारा देखो यहां सोना सोना सा लग रहा है यहां पर खाली खाली सा लग रहा है तो यही बॉन्ड है यहां पर समझ में आया यही वाला बॉन्ड यहां पर है तो एक...

कार्बन से एक हाइड्रोजन अगर निकाल दिए बाबू एक हाइड्रोजन अगर निकाल दिए ठीक है एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो जहां से हाइड्रोजन निकल गया वहां सूना सूना सा लगेगा तो वही जो बॉन्ड है सूना सूना वाला वो ऐसे करके दिखा दीजिएगा तो ये देखिए एल्काइल का पहचान है आपका कि यहां पर आपका खाली लगेगा ये खाली क्या है पता है ना ये वही बॉन्ड है जहां से कौन निकला है हाइड्रोजन निकला है और इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी एन एस टूवेन प्लस वन था प्लस टू था एक क्यों कम हो गया क्योंकि एक हाइड्रोजन बात चलिए अब आओ, मिथेन से एग्जाम्पल देखो पहला मिथेन है तो मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4? ठीक है स्ट्रक्चर ऐसे दिखा दीजिएगा तो दिखा दीजिए बोलिए अगर मिथेन से एक हाइड्रोजन आप माइनस कर दिए तो मिथेन का जो एन है ना आप भूलिए जाओ कि एन लिख पाओगे एन ना जैसे एक हाइड्रोजन हटाए ना तो एन जो है ना रोते रोते भागेगा एन निकल जाएगा तुम एन को बोलेगा हाइड्रोजन को निकाल दिया हम जा रहे हैं मांग रहे ठीक है हाइड्रोजन को निकाला ना तो एन रोते रोते भाग जाए तुम कितन मनाओ एन वापस नहीं आने वाला भागा, है भागा ठीक है आइल बोलेगा कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं वो चल गया है ना तो हम हैं हम यहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा आइल एडजस्ट हो जाएगा समझ में आई बात तो बताइए क्या होगा मिथ आइल ठीक है अच्छा अब ये कैसा दिखने में लगेगा बोलो तो चलो तुम लोग लिख के बताओ यार हम नहीं बोलेंगे ठीक है मिथाइल कैसा दिखने में लगेगा बताइए तू ये वाला बताइए जो दोनों स्ट्रक्चर हम आपको बताया ना ये हमको बताइए पहले सी एच फोर के बारे में बताइए सी एच फोर कैसा लगेगा आपका सी एच थ्री सी थ्री सी एच थ्री

तो वो सून सून वाला बॉन्ड जो है ना वो ऐसे दिखा दीजिएगा ये है आपका मिथाइल ठीक है चलिए अब तो समझ गए आप किसी के साथ भी आप ऐसा कर सकते हो मान लो कि इथेन है इथेन बना दोगे तो इथेन का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है भाई इथ का मतलब होता है दो कार्बन तो इथ का मतलब दो कार्बन और एल्केन का पहचान क्या है जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसके दोगुने से दो ज्यादा होगा तो दो, दो का दोगुना 4 दोगुना से भी दो ज्यादा करो तो दो चार दो छे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा छे इसको स्ट्रक्चर से दिखाओगे तो सी सी दो कार्बन है और बाकी एच होगा यहाँ भी 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 एच होगा ठीक है चलिए क्या कर रहे हैं एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं जैसे आप एक हाइड्रोजन हटाइएगा एन एकदम रोते रोते भागेगा आइल आ जाएगा लेकिन चलो ये तो आप समझ ही गए ठीक है यानी तो हाँ चलो लिख लेना खुद से ठीक है अब चलो इथाइल ये बन जाएगा। चलिए ये वाला स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा सी टू एच सिक्स है तो क्या बन जाएगा बताइए तो सी टू एच फाइव लेकिन ये सुना सुना वाला बॉन्ड आपको देना पड़ेगा ठीक है चलिए अब ये वाला स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा भाई तो छह हाइड्रोजन जो है ना छह हाइड्रोजन में से आपका तीन हाइड्रोजन पांच हाइड्रोजन तो रहेगा

प्रोपेन से क्या बनेगा बता दीजिएगा सी थ्री एच एट ठीक है और स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो बना देना क्या टेंशन है तीन हाइड्रोजन होगा इस पर तीन हाइड्रोजन टाइम थोड़े लगेगा समझ गया ना तो हाथ खुद ब खुद चलता है नहीं समझने पे प्रॉब्लम होता है ठीक है चलिए ये वाला आप होमवर्क रहा आप एक हाइड्रोजन हटा के प्रो मुंह से निकल रहा था कि क्या बनने वाला है ऐसा बता ही दोगे यार कौन मरा ये है आ, सब कुछ बना देना ये सब स्ट्रक्चर ये सब स्ट्रक्चर बना दीजिएगा क्या बन जाएगा बताओ हमको मन जाएगा यस सर यस सर यस सर यस सर बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सही 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 हम्म हम्म पंद्रह अगस्त का जिलेबी बाकी है <laughs> ऐसे हम लोग तीन चार बार जिलेबी खा चुके हैं उसके बाद सिल्वर प्ले बटन का फिर गोल्डन प्ले बटन का ठीक है और जो है कुछ कुछ बैच में हो सकता है वो नहीं हुआ होगा लेकिन आके खा लेना उसमें क्या दिक्कत है यस yes, सर जी हो जाएगा चलो बाबू स्क्रीन ले लो एक टॉपिक और पढ़ाएंगे छोटा सा बस फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा बड़ा है फंक्शनल ग्रुप अगले क्लास में बताएंगे शुरू करेंगे फंक्शनल ग्रुप से लो स्क्रीन शॉट लो वन टू थ्री खिचिक हो गया आ जाओ अब आओ सेकेंडरी सफिक्स बहुत छोटा है लेकिन मेन ये है फंक्शनल ग्रुप ठीक है फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में बस भाई सिंबल सब ज्यादा आएगा और क्या ये सब सब फंक्शनल ग्रुप चीज तो फंक्शनल ग्रुप बहुत मस्त है बहुत आसान चीज है वो समझना लेकिन जो है ना है बहुत इंटरेस्टिंग बाबू आओ सेकेंडरी सफिक्स हल्का सा हम आपको बता देते हैं अच्छा पहले यह बताओ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो है ना कितने वर्ड से मिलकर बना है आप बोलोगे सर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है ना नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है ना वो बना होता है सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स से लेकिन बाद में पता चला कि सफिक्स भी दो टाइप का होता है एक वन डिग्री सफिक्स और दूसरा टू डिग्री सफिक्स है ना तो वन डिग्री सफिक्स पढ़ चुके हो रूट वर्ड भी पढ़ चुके हो अच्छा वर्ड क्या बताता था पता है ना वर्ड बताता था लॉन्गेस्ट चेन का नाम या फिर पेरेंट चेन का नाम बताता था ठीक है अच्छा वन डिग्री सफिक्स बताता था लॉन्गेस्ट चेन की प्रकृति मतलब नेचर बताता था कि सिंगल है 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 या या डबल ट्रिपल है। एकदम क्लियर अब आ जाइए इस पर अगला कौन सा है भाई टू डिग्री सफिक्स आई बात समझ में टू डिग्री सफिक्स टू डिग्री सफिक्स क्या बताएगा टू डिग्री सफिक्स क्या बताएगा इसको तो नौकरी मिला लॉन्गेस्ट चेन का नाम को बताने का इसको नौकरी मिला लॉन्गेस्ट चेन की प्रकृति को बताने का ठीक है क्या बताएगा टू डिग्री सफिक्स क्या बताएगा तो टू डिग्री सफिक्स को नियुक्त किया गया ठीक है कि बोबू अगर तुम्हारा अगर इसमें सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ठीक है लॉन्गेस्ट चेन जहां पर होगा तुमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है टू डिग्री सफिक्स को समझाया गया कि सुन लो लॉन्गेस्ट चेन जहां पर होगा वहां तुमको नहीं जाना है उसका जिम्मेदारी हम किसी और को दे चुके हैं बोला सर नेचर नेचर का नेचर बोला आप उस उसका भी नौकरी किसी को मिल चुका है बोला तब बोला तब हम क्या करेंगे बताइए हम क्या वहां पर से जो है किसका जिम्मेदारी उठाएं बताइए तो टू डिग्री सफिक्स को कहा गया देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर तुमको खानदान नजर आए क्या नजर आए खानदान ठीक है तो टू डिग्री सफिक्स बोलता है कि हाँ 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 सही बोले खानदान वो अच्छा अच्छा हाँ ऑर्गेनिक कम जैसे कि इंसान में बहुत खानदान होता है राजपूत जी पंडित जी खान पठान जी यादव जी अंसारी जी ठीक है बहुत खानदान होता है उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी खानदान होता है हाँ 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 कार्बोक्जैली एसिड अलग खानदान है एल अलग खानदान है एल्कोहल अलग खानदान है नहीं एस्टर अलग खानदान है बहुत खानदान है बोले हाँ वही 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 सही पकड़े हो ठीक है वही खानदान का तुम नाम बताना तो टू डिग्री सफिक्स बोला कि हो जाएगा सर चलिए आज से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना उसी का नाम बताएंगे बोल दीजिए सबको आपका जितना भी स्टूडेंट है ठीक है जितना भी भाई लोग है सबको आप बता दीजिए कि टू डिग्री सफिक्स आज से अभी से जहां पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में खानदान दिखेगा उसका नाम हम बताएगा ठीक है किसी को आपको जो है बताने का जरूरत नहीं है सॉरी दूसरे को ये काम देने का जरूरत नहीं है हम अकेले संभाल लेंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम कौन बोला टू डिग्री सफिक्स क्या बोला कि हम बताएगा फंक्शनल ग्रुप का नाम फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपको पता है खानदान होता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है खानदान होता है तो टू डिग्री सफिक्स जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप का नाम बताता है ठीक है किसका नाम बताता है फंक्शनल ग्रुप और हिंदी में उसको कहते हैं ठीक है क्रियात्मक समूह या क्रियाशील समूह क्या है क्रियाशील समूह अभी तक हम पढ़ाए नहीं बाबू इसके बाद जस्ट अगला टॉपिक वही आने वाला है देख लो फंक्शनल ग्रुप ही आने वाला है बड़ा मस्ती से सिखाए आपको लेकिन हाँ इतना सा भी बोल दिए हैं बाबू कि फंक्शनल ग्रुप ना एक खानदान है ठीक है फंक्शनल ग्रुप क्या है एक खानदान है ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक खानदान है ठीक है ओके okay, तो वो वो उतना सा तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ फंक्शनल ग्रुप भाई खानदान है कार्बोक्सिलिक एसिड खानदान है एल्डिहाइड खानदान है ठीक है तो उसी फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है ना वो बताएगा कौन टू डिग्री सफिक्स ठीक है तो टू डिग्री सफिक्स क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का एक शब्द है और इसको हम लोग क्या किस बात का जिम्मेदारी दिए हैं तो बोले देखो भाई जहां लॉन्गेस्ट चेन होगा वहां तुम भटकना मत ना तो लॉन्गेस्ट चेन का तुमको नाम बताना है ना लॉन्गेस्ट चेन का तुमको नेचर बताना है तुमको बताना है फंक्शनल ग्रुप का नाम ओके okay? बोला डन सर बता देंगे ठीक है तो चलो लिख के बताओ टू डिग्री सफिक्स क्या बताता है जल्दी बताओ टू डिग्री सफिक्स क्या बताता है जल्दी बताओ फंक्शनल ग्रुप का नाम फंक्शनल ग्रुप का नाम बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड फंक्शनल ग्रुप का नाम हम्म बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड फंक्शनल ग्रुप का नाम चलो मजा आ गया वेरी गुड चलिए अब आ जाइए इधर देख लीजिए तो सेकेंडरी सफिक्स किसको बोलेंगे भाई इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में वर्ड वह वर्ड ठीक है विच डिटरमाइंस द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइंस द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप का निर्धारण करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को लिखोगे कहां पर तो आप बोलोगे सर रूट वर्ड के बगल में तो जगह हथिया लिया वन डिग्री सफिक्स वन डिग्री सफिक्स के तो बाद में नहीं लिखेंगे क्योंकि रूट वर्ड के जस्ट बगल में आ गया है वन डिग्री सफिक्स तो टू डिग्री सफिक्स को कहा लिखेगा वन डिग्री सफिक्स के बाद ही लिखेंगे ठीक है तो इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू डिग्री सफिक्स कम्स जस्ट आफ्टर द वन डिग्री सफिक्स क्लियर ठीक है टू डिग्री सफिक्स को आप लोग कहां रखिएगा वन डिग्री सफिक्स के जस्ट बाद चलिए हिंदी में लिख लीजिए मतलब देख लीजिए कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो कार्बनिक यौगिक के क्रियाशील समूह का निर्धारण करता है उसे द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं मस्त हिंदी है ठीक है कार्बनिक यौगिक के नाम में टू डिग्री सफिक्स को वन डिग्री सफिक्स के बाद लिखा जाता है ठीक है तो देखो नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑर्डर क्या हो गया आप लोग पहले से जानते हो प्रीफिक्स सबसे पहले टॉप पे उसके बाद ये भी टूटेगा रुको ना भी टूटेगा फिर रूट वर्ड उसके बाद वन डिग्री सफिक्स एन इन आइन वाला अब आएगा 2 डिग्री सफिक्स जो कि फंक्शनल ग्रुप का नाम बताएगा फंक्शनल ग्रुप का नाम बताएगा ठीक है चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1 डिग्री सफिक्स के जस्ट बाद लिखना है 2 डिग्री सफिक्स स्क्रीनशॉट ले लो अब 1 2 3 कुछ ले लिया चलो आज रहने दो इतना ही क्या नहीं आज आप लोग सबसे पहले सफिक्स पढ़ लिए सफिक्स का दो टाइप पढ़ लिए प्राइमरी सफिक्स पढ़ लिए और उसके बाद फिर आप जो है प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या पढ़े एल्काइल और एल्केन और एल्काइल का पढ़ लिए और आप सेकेंडरी सफिक्स भी पढ़ लिए लेकिन हाँ यहां पर एक उधार रहा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है यह जरा समझना बाकी रह गया जो कि अगला टॉपिक है कल अगर शुरू करेंगे तो हम फंक्शनल ग्रुप पर ही आएंगे ठीक है सर और सर और हाँ लाइक हो रहा है लाइक हो रहा है इसको पढ़ाएंगे ना तो हमको लगता है कि 20 मिनट ले लेगा तो एक घंटा हो गया है लगभग ठीक है पंद्रह बीस मिनट तो ले लेगा आराम आराम से पढ़ाएंगे सबको एकदम समझा देंगे दो तीन बार रिपीट करा देंगे तो इसलिए हम इधर नहीं जा रहे हैं कि तो थोड़ा सा बड़ा क्लास हो जाएगा ठीक है ठीक कल कर लेंगे ओके चलो चलो तो बताओ क्या आपका आज का क्लास एकदम सुपर तरीके से मस्त तरीके से एकदम समझ में आ गया बता दे नहीं सर और पढ़ाइए <laughs> अच्छा रहने दो ठीक है यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर सब लोग का लेकिन आ रहा है सर थोड़ा सा और आज गज्जब समझाते हैं सर क्या बात है वेरी गुड क्रिस्टल क्लियर नहीं सर और पढ़ाइए मज़ा आ रहा है <laughs> लेकिन हाँ हम देख लिए मतलब किसी को छोड़ने का मन है नहीं हम ही लग रहा है कि छोड़ देते हैं हंड्रेड परसेंट क्लियर क्या बात है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अब हम लोग अगला पढ़ेंगे क्या व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप क्या है ये हम लोग सीखेंगे पढ़ा ही दें क्या फंक्शनल ग्रुप दस मिनट तो लगिए लेगा दस मिनट से कम में नहीं होगा अच्छा कल ही करना आराम से कल कर लेना ठीक है छोड़ो अब मन में थोड़ा सा दुविधा आ गया तो फिर जो है छोड़ दो कोई बात नहीं कल एकदम फ्रेश माइंड से हम लोग शुरू करेंगे फंक्शनल ग्रुप और फिर उसके बाद जो है न, इसका एग्जाम्पल भी दिखाएंगे नाम में टू डिग्री सफिक्स के देखो अब जो है ना फंक्शनल ग्रुप भी आने लगेगा तब फिर जो है फंक्शनल ग्रुप का नाम भी यहाँ पर देखो लिखेंगे ठीक है मजा आ जाएगा कल का क्लास में कल का क्लास इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे भाई फंक्शनल ग्रुप के बारे में ठीक है जाओ खाना पीना बनाओ एकदम जो है और खाना अगर बना लिए हो तो टूट पड़ो खाओ मैच वैच उतना नहीं ठीक है पढ़ाई पे पर चलो एकदम मस्ती से खाओ खूब खाओ पियो खूब पढ़ो लिखो और इसके अलावा अभी ज़्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है हंसो रो मस्ती करो ठीक है सब पढ़ाई के साथ ओके टेंशन हो रहा है इसका मतलब आप जिंदा है ठीक <laughs> है क्योंकि जिंदगी है तो टेंशन होगा उससे ज्यादा परेशान नहीं होना है सर हमको तो टेंशन है बहुत है सर ठीक है मरने के बाद जो है ना दुनिया का टेंशन खत्म होगा और दूसरा टेंशन और शुरू हो जाता है तो टेंशन रहेगा ही ठीक है उससे कोई मतलब नहीं है उस टेंशन के साथ एकदम मस्ती के साथ खेलिए बोले अच्छा ऐसा टेंशन है भाई रुको तुम्हारा निदान करते हैं ठीक है तो बिंदास रहिए जीने का अंदाज अपना अलग बनाइए ठीक है कौन 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 कों को करके क्या जीना है ठीक है अपना अलग अंदाज में जियो मस्त अंदाज में ठीक है चलो अब हम लोग मिलते हैं कल फंक्शनल ग्रुप के साथ कल कल का पहला टॉपिक हमारा होगा फंक्शनल ग्रुप ठीक है कल का पहला टॉपिक होगा हम लोगों का क्या फंक्शनल ग्रुप यहीं से शुरू करेंगे ठीक है मिलते हैं कल हम लोग नोमिनचर के चौथे लेक्चर के साथ पूरे जोश के साथ आज के लिए भी के लिए इतना ही